नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों की। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी नाव में सवार होकर संदेश खाली पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उनके क्षेत्र का दौरा करने की अनुमति दी थी। हाई कोर्ट का कहना है कि वह संदेश खाली जा सकते हैं, लेकिन सीआरपीसी की धारा 144 के कारण वे किसी भी पार्टी कार्यकर्ता या समर्थक को अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने संदेश खाली पहुंचकर ये कहा है कि मैं सब गांव में घूम रहा हूं। भाजपा के 14 कार्यकर्ता जेल में हैं, सीबीआई आ गई और राज्य सरकार भाग गई तो जनता को इंसाफ मिलेगा। शाहजहां के जितने भी करीबी हैं सभी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली पर ममता सरकार को फटकार लगाई है। डिवीजन बेंच ने कहा कि शुरुआती तौर पर यह साफ है कि शाहजहां ने लोगों को नुकसान पहुंचाया और यह चौंकाने वाला है कि समस्या की जड़ में मौजूद एक आदमी अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है और वो फरार है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नतीजों को खारिज करते हुए आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित कर दिया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अमान्य घोषित किए गए सभी 8 वोटों को मान्य करार देने के निर्देश दिए। इन सभी वोटों के बैलेट पेपर पर रिटर्निंग ऑफिसर ने क्रॉस लगाया था। सरकार का प्रस्ताव ठुकराने के बाद 21 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे प्रदर्शनकारी किसान। शंभू बॉर्डर पर प्रशासन द्वारा बनाई गई सीमेंट की दीवारों को तोड़ने के लिए किसान एक खास हथियार लेकर आए हैं। किसान नेता नवदीत जलबेड़ा पोकलेन मशीन लेकर शंभू बॉर्डर पहुंच गए हैं। पोकलेन मशीन की मदद से प्रशासन द्वारा बॉर्डर पर लगाई गई सीमेंट की दीवारों को किसान तोड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जम्मू के एमए स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 32,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के विकास में अनुच्छेद 370 सबसे बड़ी दीवार थी। इस दीवार को भाजपा की सरकार ने ढहा दिया है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण विधेयक पारित होने पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हमारी सरकार ने मराठा समाज को SC/BC के तहत 10% आरक्षण देने का प्रस्ताव एक कानून के रूप में दोनों सदनों में रखा था। दोनों सदनों में एक मत से इस बिल को पास किया गया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण देते समय OBC आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं की गई। मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने यह ऐतिहासिक फैसला लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों उत्तर प्रदेश में है। राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा के साथ अमेठी के बाद आज रायबरेली पहुंचे। इस दौरान उनकी यात्रा को काले झंडे दिखाए गए। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जो कि काफी वायरल हो रहा है। नई दिल्ली में आज से शुरू हुआ 2 दिवसीय इंडस एक्स शिखर सम्मेलन। भारत अमेरिका के बीच कई मुद्दों पर चर्चा होगी। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देना है। पोलैंड के विदेश मंत्री ने भारत की उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि पर बोलते हुए देश की उपलब्धियों का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को दिया। उन्होंने कहा, मैं देख सकता हूं कि पिछले 2 कार्यकालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत भारत ने कितनी प्रगति की है। हम भारत के साथ निकट सहयोग चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत वैश्विक मामलों में भूमिका निभाए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए रितम।